वेलकम सेवन क्लास पर। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वी कैन नॉट सी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोइंग इन द सर्किट, कि हम लोग जो है सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होते हुए नहीं देख सकते, बट इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स हैपन वी से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग। अगर इन तीनों में से, मतलब ये जो तीनों फिनोमेना आगे हम लोगों ने डिस्कस करने के, इन तीनों में से कोई भी अकर करेगा तो इट मीन दैट वहाँ पर जो है वो बिजली क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ मेटल वायर, की जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है मेटल वायर में से फ्लो करता है, इट मेक इट हॉट, तो वो उसे क्या कर देता है, गर्म कर देता है, हॉट कर देता है। लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन अ वायर बिकम्स वेरी हॉट। उसके अलावा लाइट भी जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है जब वायर जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। वी यूज मैनी अप्लायंसेज इन आवर होम दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करंट इंटू हीट। हम लोगों ने अपने घर में बहुत से ऐसे अप्लायंसेज को यूज़ करते हैं जो कि क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में, ठीक है। अब आप लोग देखें कि जब बाज़ दफ़ा होता है कि आप लोगों की वायरिंग जो वो बहुत ज़्यादा वायर जो है वो हीटअप करते हैं, मतलब इस्त्री है या जूसर मशीन है या कुछ भी है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, तो बाज़ दफ़ा वो हीटअप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल जाता है कि उसमें से करंट जो है वो क्या करे, फ्लो करे, उसने वहाँ पर से क्या किया, वायर को हीटअप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारे पास केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन केमिकली इफेक्ट द मटेरियल्स पार्टिकुलरली इन वाटर इन द सॉल्यूशन फॉर्म, के इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है, कीमियाई तौर पर जो है वो मटेरियल्स को खास तौर पर सॉल्यूशन फॉर्म में क्या करता है, इफेक्ट करता है। व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ सॉल्यूशन, कि जब करंट जो है वो सॉल्यूशन में से क्या करता है, फ्लो करता है, इट कैन ब्रेक अप द सॉल्यूशन इनटू द कंपोनेंट्स, तो वो क्या करता है, सॉल्यूशन को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस, ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज टू कोट अ मेटल ऑब्जेक्ट, के इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करती है, मेटल ऑब्जेक्ट को कोट करने के लिए इस्तेमाल होती है, विद अ थिन लेयर ऑफ एन अदर मेटल, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये प्रोसेस जो है हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। द रिम ऑफ बाइसिकल आर द निकल प्लेटेड, ठीक है, कि उसके जो बाइसिकल के जो रिम है वो हमारे पास क्या है, निकल जो है उस पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट इन अ मेटल वायर, के इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है मेटल वायर में, धात की तार में, ठीक है। अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड अ पीस ऑफ आयरन बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कॉइल ऑफ वायर जो है, जब हम लोग उसे पीस ऑफ आयरन के जो है मतलब लोहे के गिर्द लपेट देते हैं, तो वो किस तरह से एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जब उसमें से करंट क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो ये मैग्नेट जो है हमारे पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, के इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो अपनी मकनाती से जो है वो लूज कर देता है, खो देता है, व्हेन द करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू इट, कि जब उसमें से करंट जो वो फ्लो करना बंद हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रेजेंट इन द एयर पीसेज ऑफ योर टेलीफोन, के इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमारे कान के टेलीफोन में जो है वो टेलीफोन में जो वो क्या किया जाता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द साउंड, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करते हैं, साउंड में कन्वर्ट करते हैं, आवाज़ में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल मोटर्स, के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल मोटर में भी जो है वो क्या होता है, इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वाला है हमारे पास, वाई इज इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस, की बिजली जो है वो क्यों हमारे नुकसानदेह है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, की बिजली जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, बट समटाइम्स, लेकिन बाज़ दफ़ा इट कैन बी डेंजरस, वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह भी है, ठीक है। जहाँ पे हर चीज़ का फ़ायदा है वहाँ पर हर चीज़ का नुकसान भी है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक शॉक इज़ अ लॉट पेनफुल एंड द डेंजरस, के इलेक्ट्रिक शॉक जो हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा दर्दनाक और क्या होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। इफ़ वी फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स, अगर हम लोग ये सेफ्टी रूल जो इन लोगों ने दिए हैं उसे फॉलो करेंगे, भी सेफ एंड साउंड, तो हम लोग जो है वो महफूज रह सकते हैं, ठीक है। डोंट टच एन इलेक्ट्रिकल वायर, के इलेक्ट्रिकल वायर को टच नहीं करना चाहिए, विच हैज़ फॉलन फ्रॉम द पावर लाइन, क्योंकि पावर लाइन से क्या करते हैं, गिरते हैं। नेवर टच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड, के कभी भी जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को जो है वो गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। डोंट एंटर एनी मेटल ऑब्जेक्ट इन टू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, के किसी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट में जो है वो क्या करते हैं, मेटल का धात मतलब मेटल जो है वो जो है इंसर्ट नहीं करते, एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। डोंट ओवरलोडेड पावर सॉकेट्स, ओवरलोडेड सॉकेट्स कैन कॉज द फायर। अब आप लोग देखिए कि एक आप लोगों के पास सॉकेट लगा, ठीक है, अब आप लोग उसमें चार पांच जो हैं मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो वो अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, और आप लोग वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना, सॉकेट को ओवरलोड नहीं करना, अगर वो ओवरलोड हो गया तो वहाँ पर क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन इलेक्ट्रोटेड, डोंट टच द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, अगर एक बंदे का मतलब करंट पड़ा है तो आप लोगों को उसकी बॉडी को जो है वो टच नहीं करना चाहिए। यूज़ अ नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट, कि मतलब नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट जो है आप लोग यूज़ करें टू मूव द विक्टिम अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक वायर्स, तो इलेक्ट्रिक वायर्स से अलग करने के लिए जो है आपने क्या करना है, नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है, ठीक है।
ठीक है बेटा, समझ आ गया। आप आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम लोग इंशाल्लाह ताला कर करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।